श्रीखंड कैलाश महादेव यात्रा के लिए चलें। दिल्ली से रामपुर बुशहर हिमाचल प्रदेश के लिए रोज 4 बसें चलती हैं। अपने 3 साथियों रक्षित, गिरीश जी और अनिल के साथ दिल्ली से यात्रा आरंभ की। बस दिल्ली से शिमला होते हुए रामपुर पहुंचती है, रामपुर बुशहर बस स्टैंड। हम रामपुर से 12 किलोमीटर पहले दत्तनगर उतर गए और वहां से हमने जॉन के लिए टैक्सी ली। इससे हमारे 4 किलोमीटर का रास्ता बच गया। डिस्ट्रिक्ट शिमला के अंदर रामपुर होते हुए सतलुज नदी जब हम पार कर लेते हैं तो ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू पड़ जाता है। श्रीखंड महादेव जी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। इस समय सेबों का सीजन था और पेड़ सेबों से लदे पड़े थे। निर्मल बागीपुल होते हुए हम लगभग 2 बजे गांव जो पहुंचे। जोन से 2:40 पर नाश्ता पानी करके लगभग खाना खाके हम चल दिए हैं सिंघाड़ की तरफ। और ये बता रहे हैं कि आज ही अगर सिंघाड़ से आगे भी आप चले जाओगे 3 किलोमीटर तो आगे का रास्ता और हल्का हो जाएगा। हर हर महादेव, जय श्रीखंड महाराज की जय। जॉन से 3 किलोमीटर सिंघाड़ विलेज। यात्रा के दौरान यहीं पर अपना पंजीकरण और हेल्थ चेकअप कराने के बाद आगे बढ़ते हैं। ये ऊपर से एकदम सीढ़ी नुमा नीचे रास्ता।
गिरी महाराज जी ने इन्हों का डेरा खैरी है, खैरी तो ने महाराज जी ये इतने निर्मंड भी इन्हों डेरा दस नामी डेरा डेरा मंडी के साहब ने जी इन्हों की थ्रू ये बनी हुई है सिटी। कब बनाई ये? 2-3 साल पहले ही बनी है। रात का खाना हमने डेरे में ही खाया, दाल रोटी और अचार खाकर आत्मा जैसे तृप्त हो गई और दिन भर की थकान खत्म हो गई। अगले दिन मौसम बिल्कुल साफ हो गया था, धूप निकली हुई थी। नींद सुबह 6 बजे खुल गई और सुबह के नित्य क्रम कर हम फिर तैयार हो गए अगले दिन के ट्रैक करने के लिए। ओम नमो नारायण जी। हमारे गुरु जी ने 24 सालों से यहाँ पे भंडारा लगा रखा है। यात्रियों को सभी जगह सभी तरह की सुविधा यहाँ पे मिलती है, नहाने की, रहने की, खाने की, पीने की। ये भराटी नाला स्थान है, इसको भराटी नाला बोलते हैं। हमारे गुरु जी का नाम श्रीमान अशोक गिरी जी है, फलारी बाबा खैरी वाले हरियाणा। की स्थापना तो ये आदि अनादि काल की है, भगवान की स्थापना कौन कर सकता है। इसकी कहानी जो है ये भस्मासुर की कहानी से जोड़ा गया है। और इस कैलाश में आपको गणेश जी, पार्वती जी और कार्तिकेय जी तीनों के दर्शन होंगे। खड़ी जाती है इस तारीख से किस तारीख तक होता है? ये गुरु पूर्णिमा को दर्शन माने गए हैं इसके, और गुरु पूर्णिमा को ही छड़ी ऊपर दर्शन करती है। जितने भी महात्मा साधु संत आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनके साथ ज़्यादातर वो गुरु पूर्णिमा के दिन दर्शन करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन इनकी मानता मानी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और अच्छा आप तीर्थ यात्री जो धार्मिक व्यक्ति की सारा हमारा गुरु जी का है। हम सभी यात्रियों से यही निवेदन बार बार मैं करूँगा भाई कि यहाँ पे स्वच्छता, कृपया स्वच्छता रखें। धन्यवाद। भराठी नाला से थाचरू लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर है। जय हो। अगले दिन का लक्ष्य हमारा थाचरू था। हमने 8 बजे हमने अगले पड़ाव के लिए यात्रा शुरू की। पराठी नाला से थाचरू तक के लिए सीधी खड़ी दुर्गम चढ़ाई है। पूरा रास्ता घने जंगलों से घिरा हुआ है। नाला से 1 घंटे चलने के बाद गरम गरम मैगी का नाश्ता किया और चल दिए। जय श्रीखंड महादेव। कठिन चढ़ाई कर हम चल रहे हैं और रास्ते में हमने काफी जगह देखा है कि ये इस टाइप के, देखिए ये बैग लगा रखे हैं प्लास्टिक के, ताकि कोई भी प्लास्टिक का सामान या कूड़ा कचरा इधर उधर ना फैले और रास्ते की स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। रियासु मराठी नाला से 3 किलोमीटर ऊपर है और यहाँ से 6 किलोमीटर बसता है थाचरू। बारह बज के 10 मिनट हुए हैं, यहाँ से 6 किलोमीटर का रास्ता रह गया है थाचरू के लिए। जय श्रीखंड महादेव।
रास्ते में अधिकतर हमसे कम उम्र के ही यात्री मिल रहे थे, हमने उनसे भी रुककर बात की। श्रीखंड महादेव का पहला टूर है, इससे पहले कहाँ कहाँ जा चुके हो? अमरनाथ, मणिमहेश, अभी ये अगले महीने का हम बना रहे हैं केदारनाथ। अगले महीने का केदारनाथ जी? केदारनाथ जी। तो अभी आप लोग करते क्या हो? हम जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब, एज कितनी है? मेरी 34। कुछ देर चलकर ऐसा लगता था कि काफी चल लिए हैं, थकान इतनी हो गई थी कि लगता था कि थाचरू जल्दी आ जाए और हमें आराम करने को मिले, परंतु थाचरू आने का नाम ही नहीं ले रहा था। बीच में एक जगह आती है 30 माइल्स, तो हमने वहीं रुककर लंच किया। अरे खाने का क्या है? जय श्री राम। पहले दिन जौन से चल के सिंघाड़ तक पहुंचे और सिंघाड़ से आगे बाबा के आश्रम, जो कि वहां से भी 3 किलोमीटर आगे, वहां रुके और उसके बाद आज सुबह 7:45 बजे चलकर बीच बीच में रुकते हुए, खाना खाते हुए, रेस्ट करते हुए, आराम आराम से धीरे धीरे कदमों से चलते हुए अब हम पहुंच गए थाचरू। दिनभर की थका देने वाली चढ़ाई चढ़ने के बाद हम शाम को 6 बजे थाचरू पहुंचे। जय श्रीखंड महादेव। थाचरू समुद्र तल से 11,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जोन से यदि आप सुबह जल्दी चलते हैं तो थाचरू पहला पड़ाव पड़ता है। हम लोग जोन से 2:40 पर चले थे, इसलिए पहला पड़ाव हमने बराठी नाला में किया और दूसरा पड़ाव थाचरू में किया। यात्रा के दौरान यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था होती है और प्रशासन की ओर से मेडिकल की भी सुविधा होती है। थाचरू में यदि मौसम साफ हो तो यहाँ से श्रीखंड महादेव के दर्शन हो जाते हैं। ये जो एक बीच में दिख रही है छोटी सी और एक छोटी छोटी सी दिख रहे हैं, ये गणेश पार्वती और बीच में श्रीखंड महादेव। हम जब पहुंचे तो सुबह मौसम बिल्कुल खुला हुआ था, साफ था और हमें यहां से श्रीखंड महादेव के दर्शन हुए। सुबह हमने गरम गरम चाय पी। जय भोले। जय भोले। हर हर महादेव। और चल दिए अगले पड़ाव की ओर। थाचरू से काली घाटी तक कोई पानी नहीं मिलता है, इसलिए हमने यहीं से अपनी पानी की बोतलें भर ली। थाचरू से काली घाटी के लिए सीधी चढ़ाई है, ये लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता है।
मौसम में बदलाव आ रहा है। जो अभी तक साफ था एकदम धुंध बढ़ती जा रही है। लो साहब, पहुंच गए काली घाटी। काली घाटी आते ही धुंध ने हमारा स्वागत किया है। देखिए धुंध ही धुंध। ये काली घाटी 12,500 फीट की हाइट पर है। इसके बाद अब थोड़ा ढलान होगी। हमें बताया गया था काली घाटी कि काली घाटी तक सीधी खड़ी चढ़ाई है, उसके बाद उतराई पड़ जाती है। ये काली माता का मंदिर, ये रहने के लिए टेंट। यात्रा खत्म हो चुकी है इसलिए यहाँ यात्री भी बहुत कम। इतनी हाइट पर पहाड़ों का मौसम कब बदल जाए कुछ पता नहीं होता। कभी तो धुंध रूपी बादल छा जाते हैं और कभी मौसम बिल्कुल साफ हो जाता है। और जब मौसम साफ होता है तो इतने मनोहारी दृश्य पैदा हो जाते हैं कि बस ऐसा दिल करता है कि उनको देखते ही रहें। यदि मौसम साफ हो तो काली घाट से भी श्रीखंड महादेव के दर्शन होते हैं। काली घाटी से अगला पड़ाव भीम तराई का पड़ता है। काली घाटी से नाश्ता कर हम लगभग 11:30 बजे भीम तराई की ओर चल दिए। काली घाटी से यदि मौसम साफ हो तो श्रीखंड महादेव तक का पूरा रास्ता दिखता है। ये टॉप में लगा ये, उसके बाद अगर आपको दिख रहा हो छोटे छोटे 2-3 कैंप, और उसके बाद पार होकर ये रास्ते से होते हुए इसके पीछे से ये श्रीखंड महादेव, ये देखिए। हर हर महादेव। काली घाटी से भीम तराई तक का रास्ता उतार का है, पर ये उतराई इतनी खतरनाक है कि कहीं कहीं तो बैठ के भी उतरना पड़ता है। आ जाओ बस आराम आराम से। ओम भम भोले। Thank you.
काली घाटी से भीमतराई के लिए की उतराई। सभी ये कह रहे हैं कि बस काली घाटी तक चढ़ाई है, उसके बाद उतराई है, पर ये उतराई भी कुछ कम नहीं है। ये देखिए सारे पहाड़ टूटे हैं और ये रास्ता भी ठीक नहीं है। चलो भीम तराई, यहाँ से पानी पी के ही चलना चाहिए क्योंकि उतराई काफ़ी है। आगे पानी मिल तो रहेगा, आगे तो पानी पानी है, पर पीछे थाचड़ू तक पानी नहीं था। एकदम साफ निर्मल पानी। साढ़े बारह बजे हम भीम तलाई पर पहुँचे। यही है भीम तलाई। इसका नाम भीम तलाई इसलिए पड़ा क्योंकि महाभारत काल के भीम, जो पांच पांडवों में से एक थे, वो यहाँ नहाया करते थे। पहाड़ों में कभी भी मौसम बदल जाता है, कभी धुंध आ जाती है और कभी बरसात आ जाती है। इन्हीं धुंध और बरसात के कारण हमारी गति में असर पड़ता है और इससे ये होता है कि हम जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। भीम तराई के बाद झरनों और ग्लेशियरों का सिलसिला शुरू हो जाता है। जब भी कोई झरना या ग्लेशियर आता है तो उसको पार करने के लिए नीचे उतरना पड़ता है और फिर ऊपर चढ़ना पड़ता है। इसमें काफी थकान हो जाती है। क्या हुआ है? क्या हुआ? ग्लेशियर, शायद ग्लेशियर को पार करके जाना है। पहला ग्लेशियर, बहुत धुंध, आसान रास्ता तो नहीं कहा जा सकता इसको। अगर ये साफ होता तो अच्छा लगता, पर इस धुंध में ये ग्लेशियर पार करना बहुत खतरनाक। हर हर महादेव। आराम से आराम से। हाँ आ जा, लंबी छलांग वहाँ नहीं रखना चाहिए, वहाँ से। हाँ आ जाओ। हाँ भोले का नाम लेकर ये पहला ग्लेशियर देखिए, भोले का करिश्मा। अभी 5 मिनट पहले ही इतनी बूंदाबांदी हो गई थी कि लग रहा था सारे भीग जाएंगे, बरसातियाँ भी निकाल ली थी, और अब देखिए बिल्कुल साफ
यहाँ से भीम सरोवर भी दिख रहा है और वो ऊपर काली घाटी। क्योंकि यात्रियों की संख्या कम होती जा रही है तो यहाँ के टेंट भी खाली दिख रहे हैं। लगभग 1 बजे हम लोग कौंचा पहुंचे और इस समय तक मौसम काफी खराब हो चुका था, इसलिए हमने यहीं रुकने का निर्णय लिया। ये कौंचा है और यहाँ से 3 किलोमीटर और भीमद्वार खादी थी, उसके बाद पार्वती बाग से नैन सरोवर होते हुए हमें ऊपर दर्शन के लिए जाना है। 7 अगस्त 6:45 रात भर बारिश होती रही, आज भी मौसम ठीक नहीं है। अभी देखिए 5 मिनट पहले ही इस वादी का क्या नजारा था और अब देखिए बादल एकदम छट गए, दूर दूर पहाड़ दिखने लगे। यही इस जगह की खूबसूरती होती है। कौंचा से 7:15 हम निकले हैं पार्वती बाग के लिए। ये फिर नीचे जाना है और नीचे जाके फिर ऊपर। अभी तो ऐसा लग रहा था कि ऊपर ऊपर से निकल जाएंगे ऊंचाई ऊंचाई से, पर ये फिर एक ढलान घाटी। हर हर महादेव। ये जो आपने देखा इतना भयंकर डॉग, ये दिन में आपको कुछ नहीं कहेंगे पर इन रात में ये शेर से भी भिड़ने की क्षमता रखते हैं। ये ट्रैकर आ रहे हैं कुछ। जय महादेव। बरसात की वजह से सारे पत्थर चिकने हो गए हैं, फिसलन भरे, और इसमें उतरना उतना ही जोखिम भरा। हल्की हल्की बूंदा बांदी हो रही है, उसकी वजह से उतरने में काफी दिक्कत होती है, पर ऐसी जगह पर यही है कि धीरे धीरे आराम आराम से जगह देख देख के पैर जमा जमा के उतरना चाहिए, नहीं तो फिसलने का डर बना रहता है। अभी नीचे उतर के ऊपर चढ़े ही थे कि एक फिर ढलान। ये देखिए यहाँ से उतरता हूँ, ये यहाँ से उतरना है और वो झरने को पार करते हुए भीमद्वार। धीरे धीरे मौसम बदल रहा था और बरसात शुरू हो गई थी जिससे चलने में कठिनाई आ रही थी। इसी को हम पार करके आगे जाएंगे। हर हर महादेव। जूते तो भीगे नहीं।
ठाकुर द्वार, यहाँ से 1 किलोमीटर भीम द्वार। जय हो। देखिए जहाँ तक नजर जा रही है वहीं फूल ही फूल। भीम द्वारी पहुंचकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये झरने पहाड़ों से नहीं मानो आसमान से ही उतर रहे हों। जहां हरियाली ही हरियाली हो और ऊपर घने बादल हों, उनके बीच में से झरने आओ, उस अलौकिक दृश्य को बयान नहीं किया जा सकता। भीम द्वार पर ये ग्लेशियर पार करके आगे की तरफ बढ़ना है। ग्लेशियर पार करना है और ऊपर पहुंचना है। तो बना लो भीम द्वारी से ऊपर चढ़ते हुए बारिश, ये बारिश में हमने ग्लेशियर पार किया है। ये बादल में ढक चुके हैं, धुंध आ गई है। अभी कुंचा से 7:45 बजे चलकर भीम द्वार पर हम थोड़ा रुके थे, थोड़ा खाना पीना खाया, फिर वहाँ से 12 बजे चले और अब 1:30 बजे हम पार्वती बाग पहुँचे हैं। यहाँ हम रेस्ट करेंगे आज पूरा दिन। पार्वती बाग में ठहरने के लिए प्राइवेट टेंट्स हैं, खाना नाश्ता और चाय भी अवेलेबल करा दी जाती है। ठहरने का इंतजाम होने के बाद हमने थोड़ा आराम करने की सोची और घुस गए कंबलों में। बारिश बंद होने के बाद पार्वती बाग का नज़ारा ही कुछ और था। भीम द्वारी और दूर दूर तक फैले हुए पहाड़ इतने आकर्षक लग रहे थे कि लग रहा था कि अब तो यहीं रुक जाना चाहिए। पार्वती बाग से ही श्रीखंड कैलाश महादेव के दर्शन होते हैं। जो यात्री आगे तक नहीं जा पाते हैं वो यहीं से श्रीखंड महादेव के दर्शन कर वापस लौट जाते हैं। हर हर महादेव। सुबह के 7 बजे हैं। अब यहाँ से हम श्रीखंड महादेव जी की तरफ जा रहे हैं। मौसम बहुत साफ। हर हर महादेव। पार्वती बाग की हाइट समुद्र तल से 15,000 फीट की है। माँ पार्वती का नाम लेके और हर हर महादेव के जयकारों के साथ हमें आगे की यात्रा शुरू की। यहाँ से पथरीला रास्ता है, बड़ा संभल के जाना पड़ता है। ये पथरीले रास्ते, इन पर निशान बने हुए हैं, उसी निशानों को देखते देखते आगे बढ़ना है। पार्वती बाग से नैन सरोवर की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर की है और यहाँ तक पानी पीने वाला मिल जाता है।
ये कोई परंपरागत रास्ता नहीं बना हुआ है, सारे पत्थरों में ही निशान बनाकर रास्ता बनाया हुआ है। पार्वती बाग से 7 बजे चले थे और अब 9:30 बजे हैं। नैन सरोवर पर चारों तरफ देख बर्फ ही बर्फ थी। इस साल बर्फ गिरने का पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड टूटा था। पिछले सालों तक नैन सरोवर में जल ही जल होता था, पर इस साल 15 साल का रिकॉर्ड टूटा है बर्फबारी का। और चारों तरफ देखिए पूरे सरोवर में बर्फ ही बर्फ और कुछ ही हिस्से में जल है, बाकी पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। नैन सरोवर से श्रीखंड तक के लिए दुर्गम चढ़ाई है, ऊंचाई ज्यादा होने के कारण सांस फूलने लगता है, ना खाने की व्यवस्था होती है और ना ही पानी की, ऊपर रुकने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। ये निशान देख देख के ही रास्ता पार करना है। पीने के लिए पानी की बोतलें नीचे से ही ले जानी चाहिए और खाने के लिए हल्का ड्राई फ्रूट साथ रख लेना चाहिए। हो चुके हैं नैन सरोवर से सीधी कठिन चढ़ाई चढ़कर हम पहुंच रहे हैं। ये काफी थकान महसूस हो रही है। क्योंकि ये अंतिम चढ़ाई बहुत ही दुर्गम है और रुकने की व्यवस्था ना होने के कारण उसी दिन वापसी भी आना होता है। सीधी कढ़ाई खड़ी चढ़ाई है, पत्थरों के बीचों बीच में से कोई रास्ता नहीं बना हुआ है, कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो आपको लगे कि हाँ भाई थोड़ा चले, ऊपर पत्थर पकड़ना है, नीचे पत्थर पे पैर रखना है। हर हर महादेव। अब धुंध धुंध आ रही है, कुछ तो दिख नहीं रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही धूप निकली थी तो हमने यहीं से दर्शन किए। जय हो।